दिनों एलोपैथी के इलाज को लेकर किए जा रहे अपने दावों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं एलोपैथी के इलाज को लेकर बाबा रामदेव लगातार उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं और एलोपैथी के इलाज को बिल्कुल बेकार बता रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में बाबा रामदेव का एक और बयान सामने आया है जिससे उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है। बाबा रामदेव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण में एलोपैथी से महज 10% गंभीर मरीज ही ठीक हुए हैं, जबकि योग और आयुर्वेद से 90% मरीज ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना का रामबाण इलाज योगा है, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में ही है। वहीं यह देखा गया है कि लोग बड़ी संख्या में कोरोना के दौरान हॉस्पिटलों में भर्ती हुए थे और बड़ी संख्या में लोग कोरोना से एलोपैथिक इलाज के जरिए ही ठीक हुए हैं। वहीं आपको बता दें, पिछली बार दिए गए अपने उलूल जुलूल बयानों के बाद बाबा रामदेव को अपना बयान वापस लेना पड़ा था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी उनके बयान पर आपत्ति जताई थी।